की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा आतंकी हमला, थाना मंडी से सटे जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़ है जारी। आतंकी हमले में कल सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। आतंकियों ने राजौरी में किया था सेना की गाड़ी पर कायराना हमला। आतंकियों ने 2 शहीदों के साथ बर्बरता भी की और 5 जवान हमारे इसमें शहीद हुए। आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर से उन आतंकवादियों ने किया है जिनकी सूरत और सीरत बदले नहीं बदलती और कोशिश हर बार आतंक फैलाने की होती है। आतंक की हदें यहां तक खत्म नहीं होती कि 5 जवानों की शहादत हुई बल्कि 2 जवानों के साथ इन्होंने बर्बरता की हदों को पार कर दिया। लेकिन जुम्मन में इनकी खुन्नस, जो गुस्सा जो बोया गया है, जिस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है, उसे उनके पार्थिव शरीरों के साथ ही बर्बरता करके इन्होंने अपनी मानसिकता को परिचय दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजौरी में बड़े आतंकी हमले पर इनपुट भी मिला है। सुरक्षा बलों और एजेंसियों का इनपुट यही है कि आसपास के क्षेत्रों में हो सकता है कि छिपे हों, उसको लेकर के लगातार धरपकड़ अभियान जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ तस्वीरें हैं सर्च ऑपरेशन की, जब रास्तों में लगातार चेकिंग की जा रही थी। दरअसल थाना मंजी से सटे जंगलों में आतंकियों से अभी भी मुठभेड़ जारी है। कुछ आतंकी वहां से भाग निकले, कुछ वहां पर भागे नहीं और वहीं पर है करके मुठभेड़ कर रहे हैं, जारी है मुठभेड़। आतंकी हमला हुआ कल, सेना के 5 जवान शहीद हुए। आतंकियों ने राजौरी में सेना की गाड़ी पर हमला किया और आतंकियों ने 2 शहीदों के साथ बर्बरता भी की। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने तुरंत संज्ञान लिया, उसके बाद भी आगे की कार्रवाई शुरू की गई। सुरक्षा बल लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। कश्मीर की घाटियों में लगातार इस तरह के आतंक के पनाहगारों को भी पकड़कर दबोच कर उन्हें खत्म करने की कोशिश, निस्तराबूत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तमाम सारी चीजों से तर आतंक फिलहाल एक ऐसी समस्या हो गई है जिसे जितना खत्म किया जाए वो उतनी ही ज्यादा सामने आ रही है। आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत हुई, 2 शहीदों के साथ बर्बरता की और ये बात दिल को बार बार सभी भारतवासियों के कचोट रही होगी। क्या अब किया जाता है, क्या पहलू होता है, किस तरह से कार्रवाई होती है, क्योंकि अभी जो मुठभेड़ है वो जारी है। समझ सकते हैं आप किस तरह की परिस्थितियां, विकट से विकट परिस्थितियों में आतंकियों पर पैनी निगाह होती है। हमारी सेना के जवान मुस्तैद होते हैं, राउंड द क्लॉक निगरानी करते हैं। वाहन निकल रहा था और उसके बाद उस वाहन पर हमला करने के पश्चात इन आतंकियों ने 5 भारतीय सेना के जवानों की जान, उनकी शहादत की।